कागज जगह बना ली। फिर वीर ने पिस्टल तुरंत छुपा ली, उठा ली अपने हाथ में और चला ऊधम सिंह इंग्लैंड धान धरे पूरे नाथ में। पुस्तक में पिस्टल छुपा ली, उठा ली अपने हाथ में, चला ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धर भोलेनाथ में। कवि ने वो लिखे, जब ऊधम सिंह उस असेंबली में भीतर बढ़ा, जो अंग्रेज सिपाही थे अपनी अपनी सेखी मारे कि हमारे रहते हुए यहां कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या लिखा कवि ने? देखी नहीं किताब खोल के, देखी नहीं किताब खोल के, चल दिया जय हिंद बोल के, चल दिया जय हिंद बोल के, भारतीय भारतीय बच्चे साथ में। दाखला ले लिया, लेकिन दाखला लेने से पहले ही दिन एक पिस्टल का रिवॉल्वर का इंतजाम किया और लोगों उस पिस्टल को उस किताब में इस प्रकार छिपा ली के साथी जो बच्चे थे उनको भी नहीं पता कि इस किताब के भीतर है क्या। उस किताब को छाती के लगाए रखता था, बस उस दिन का इंतजार था कि कब मैं अपने बाप का बदला लूं और मेरे हिंदुस्तानियों का बदला हत्यारे तो लूं। सुनिए आगे क्या हुआ। जलसे में क्या रे न्यारी न्यारी पुलिस चुगर दे खड़ी, न्यारी पुलिस चुगर दे खड़ी।
खड़ी बात वहाँ आजादी की छिड़ी बात वहाँ आजादी की छिड़ी शेर शेर था अपने घात में पूरे जलसे का जो मुख्य नायक है वो जनरल डायर है। आज डायर आके स्पीच देंगे, हिंदुस्तान आजादी आजादी जकरा रहा है, लेकिन आजादी का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान को देकर आया है और वे अंग्रेज खुशी मना रहे हैं और वो शेर उधम सिंह अपनी ताक में बैठा है। बोले जागत लाग बुरा हो लाग में बैठा है की बात बनी करके आया हूं हिंदुस्तान में, अगर कोई आजादी का सपना भी लेगा सपने में मर जाएगा हार्ट अटैक आके। बोले क्या करके आए हो? हाये खपाती जनता बुरी आग खपाती जनता बुरी आग पूछ लो जलिया वाले बाग पूछ लो जलिया वाले बाग कहर सा मचा दिन रात में बोला खपा दी जनता बुरी आग ते एक पूछ लो जाके हिंदुस्तान में जलिया वाले बाग ते। इतने मानस मार के आया हूं शायद ही कोई अंग्रेजी अफसर मार सके और उसका फल ये निकलेगा 7 जन्म तक हिंदुस्तानी आजादी की तरफ को पा करके भी नहीं सोवेंगे। इतनी बात सुनी उधम सिंह ने और सजनो जोश आ गया गात में। कुत्ते तेरा बाप हिंदुस्तानी तेरे सामने खड़ा है और लोगों भेड़ भेड़ करके सह की छह भूत उतार दी। सुंद कवितारी जय कर
छोड़ना।